हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग सही सलामत हो गए। तो आज है तारीख 8 और अभी का टेम्परेचर 11 और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी सुबह से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, जैसे कि मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। हफ्ते में 2-3 व्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ। अभी ज़्यादा व्लॉग्स बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। तो घर बैठे बैठे जितना हो सक रहा है उतने व्लॉग्स बना रहा हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी भी मेमोरीज बनते जा रही हैं साथ ही साथ। बट अभी बाहर आना जाना लगा रहता है, थोड़ा इधर उधर, कभी खाना लेने जाना है, कभी दवाई लेने जाना है। जैसे कि अभी मैं डॉक्टर के पास गया था। अच्छा, डॉक्टर से याद आया, अभी 2-3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, आपको वो व्लॉग दिख जाएगा कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे रिब्स पे, मेरे सर पे और मेरे घुटने पे चोट आई थी। और मैं परसों एक्सरे निकलवाने गया था और एक्सरे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कुछ भी टूटा नहीं है, सही सलामत हो। पर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि 2-4 दिन और आराम करो और बाद में अपने काम पर लग जाओ। बट क्या है कि बाहर आना जाना तो लगा ही रहता है, तो हम लोगों ने सोचा था कि वाई नॉट मेक मास्क। हम लोग ने घर पे ही सोचा कि मास्क बना लें, और कल रेशमा ने मास्क बनाए थे। तो हम रिवाइंड करते हैं इस दिन को और कल जाते हैं। अभी आप जो भी फुटेज देखोगे ना, वो कल मैंने शूट की हुई। तो लेट्स गो टू यस्टरडे। ये पुरानी चादर है क्या? फेंकने के लिए निकाला था, याद आ गया, थोड़ा कलरफुल चाहिए था मुझे। पहले इसको गोल सर्कल में काटने का। तो मास्क खरीद क्यों नहीं लिया हम लोगों ने? एक भी मास्क अवेलेबल नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे? मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि सामान हमारा घर पे ही आता है, कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए सेफ्टी ये जरूरी। अगर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा उसके बाद भी सब लोग मास्क पहन के तो निकलेंगे बाहर ना, तो इट्स बेटर कि हम लोग मास्क अपना बना के रख ही लें, ताकि अगर हम लोग कभी बाहर आते जाते हैं तो मास्क यूज कर लेंगे। कुछ नहीं तो यही सही, बेटर बनना चाहिए। हाँ रेशमा, अच्छे से बना रही है ना? कटिंग ही मुश्किल से कर रही हूँ। तो जब तक रेशमा पीछे कटिंग करके बना रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगेन एंड वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ और बहुत सारा ट्रैवल भी करता हूँ। अभी तो ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने बहुत सारे ट्रैवलिंग वीडियोज़ भी पहले बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड वॉच दोज वीडियोज़ और टेल मी कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं देखने में। तो प्लीज़ मुझे अगर आप लोग कॉमेंट्स करके बताओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मुझे कुछ सवाल करने हैं जिसका आपको इंस्टेंट जवाब चाहिए तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना, मैं उसका जवाब हमेशा ही देता रहता हूं। ये तो मस्त राउंड कटा है एकदम। ये दूसरा अटेम्प्ट था ना? हाँ, ये उसका फिल्टर में भी, क्योंकि सिंगल बहुत कम पड़ेगा ना। वो मतलब डबल बनाना है ना, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी कैसा बनेगा। मुझे क्या चाहिए पता अभी? क्या? आयन। कहाँ है? अंदर लेकर आओगे प्लीज? हाँ जरूर। कहाँ है? ऑल द वे राइट में। ऑल द वे राइट पे। आयन, पहले लाइफ कितनी मस्त थी ना, कहीं भी आओ जाओ कुछ टेंशन नहीं। बट अभी बाहर जाने से पहले 10,000 बार सोचना पड़ता है कि यार बाहर जा रहे हैं कहीं कोई बीमारी साथ में लेके ना जाए, स्पेशली ये कोरोना वायरस यार परेशान करके रख दिया सबको। बट जो भी है, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाए हमारी लाइफ, हम लोग भी बाहर काम पे जा सके। बहुत लोगों का सुना है मैंने कि काम चले गए, अच्छे अच्छे जॉब्स वाले जॉबलेस हो गए हैं। तो मैं यही प्रे करता हूँ कि सब लोग जहाँ पर भी है सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है, जॉब आज नहीं है तो कल आ जाएगा, पैसे आज नहीं है तो कल आ जाएंगे। बट अपना जितना भी थोड़ा बहुत राशन है उसको संभाल के यूज़ करो, खाना वेस्ट मत करो। तो पूरा प्रोसेस बताना मुझे। तो बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी ये बना दिया है। तो ये इनर क्लॉथ है। हाँ। तो एक ऐसा राउंड कटिंग करने का। हाँ। तो एक सिंगल। हाँ। और ऐसा डबल जस्ट फॉर सेफर साइड। अच्छा, ये डबल ऐसा है। डबल। तो ये इधर का हिस्सा था और ये इधर का, सो आई जस्ट शो यू लाइक, ऐसा बताती हूँ आप लोगों को, समझो ऐसा राउंड था। फिर मैंने क्या किया, सिंपल इसको फोल्ड कर दिया। अच्छा, ठीक है, इसको ऐसा फोल्ड कर दिया। ठीक है, ऐसा फोल्ड करने के बाद ये ऐसा हो गया। अच्छा। फिर उसको मैंने ऐसा फोल्ड कर दिया बराबर। ठीक है,
तो ऐसा एक पूरा उसको फिर यहाँ से कटिंग किया मैंने, फिर यहाँ से कटिंग किया, तो इसका दो हिस्सा बन गया। अच्छा, तो इसको सिला कहाँ से? यहाँ से सिला। फिर ये जो इसको कटिंग करने के बाद तो ऐसा बन गया था बेसिकली, तो फिर इसको देखो बीच में से काटा। हाँ, तो अभी दिखाती हूँ। इसको यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, फिर इसका अलग अलग हो गया, फिर इसको पूरा ये साइड से स्टिच कर दिया। अच्छा। तो स्टिच करने के बाद अब ये देखो, इसको खोलती हूँ मैं। अभी कैसा पहनेगा? तो ऐसा मास्क है, तो अभी इसको भी स्टिच कर देती हूँ। दोनों साइड से स्टिच कर दिया, स्टिच किया। हाँ। अभी इसको ऐसा ओपन करना है। ओपन हुआ, ये भी ओपन किया। अच्छा, ठीक है। ये ऐसा रखना है, एक ऐसा उल्टा रखना है, फिर ऐसा लगाना है। अब लगाने के बाद ये पूरा स्टिच कर देना है। देखा क्या बात है, हो तो गया। मेरा डिजाइन छुप गया, बट मैंने शायद से रॉन्ग लगाया था। रबर बैंड लिया? हाँ, हेयर रबर बैंड। हेयर रबर बैंड लिया, और उसको कोई भी हेयर रबर बैंड, आई थिंक इलास्टिक जो ऐसा करके स्टिच कर दे। नाइस, ऐसा किया और स्टिच कर देना उसको। हम्म, और कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ। प्लीज कमेंट करना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। रेशमा की इतनी मेहनत की है रेशमा ने, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला इस वीडियो में, प्लीज हम लोग को बताना। बता भी, रबर बैंड दिखा हम लोग को प्लीज। ओके, नॉट बैड। बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट बहुत सिक्योर है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये मास्क? एक छोटी सी कोशिश की है रेशमा ने, मास्क बनाया। तो ये वो जगह, अगर आपने मेरा पहले का व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ से ये खिल्ले पे टकराया मैं, यहाँ पर खिल्ला निकला हुआ ये, और लुढ़कता हुआ नीचे जाके वहाँ पर मेरा सर टकरा गया। बट अभी भगवान की दया से आई एम फिट एंड फाइन। परसों से मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट्स करना और बताना कि आप लोग कहाँ पर हो और क्या सिचुएशन है वहाँ की। अभी मैंने देखा था कि लिकर शॉप, वाइन शॉप जो खुले थे, और उसमें यार ऐसा कैसा है यार, इतना दारू के पीछे मारा मारी, पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं फिर भी दारू चाहिए। इतना पैसा है दारू खरीदने के लिए, बट खाने के लिए पैसा नहीं है। इतने सारे व्हाट्सएप, फेसबुक पे पोस्ट देखे ना मैंने, तो यार समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। क्या मस्त बारिश हो रही है यार, पूरा गीला हो गया। तो बारिश से मुझे याद आया, जब मैं इंडिया में रहता था, मेरी मम्मी और बहन अभी भी हैं वहाँ पर, मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर है, इनफैक्ट इंडिया में, बॉम्बे में। तो जब बारिश होती थी तो हम लोग फिफ्थ फ्लोर में रहते हैं, तो नीचे से आम वाले जाते होते थे, आम हम लोग को सबको एक शौक रहता है आम खाने का। तो मैं और मेरी बहन नीचे आते थे, आम उठाते थे, ऊपर जाते थे, बहुत सारे आम खाते थे। उसके बाद बाइक लेते थे, मेरे पास पल्सर होता था तभी, बाइक लेते थे। और जो भी अगर बॉम्बे में रहता है तो उसको पता ही रहेगा, फाउंटेन, किनारा होटल फाउंटेन, हम लोग दोनों वहाँ तक जाते थे, एक राउंड मारते थे, चाय पीते थे और वापस आ जाते थे। बट प्लीज़ कॉमेंट करना और बताना कि आप लोग कहाँ पर हो और क्या सिचुएशन चल रही है। मैं यहाँ की सिचुएशन तो आपको बताते ही रहता हूँ, बट आप लोग वहाँ की सिचुएशन मुझे बताओगे ना कॉमेंट्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और पता लगता रहेगा आप लोगों को मेरे बारे में, मुझे आपके बारे में। तो ठीक है, इस वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। बारिश अभी हो रही है तेज़, मैं जाता हूँ घर पे आराम करता हूँ और ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा। अगर आपके पास और भी कोई सजेशंस है तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि सजेशंस मैं अडॉप्ट करूँ और आपके हिसाब से वीडियोस भी बनाऊँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहना। बाय बाय।